बिहार सहित देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लगातार केंद्र सरकार की ओर से इस पर बैठक जारी है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर से एहतियात के तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश के तमाम मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक है और इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। एक तो बढ़ते हुए गर्मी के प्रकोप को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा सकती है, स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी बातचीत चल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बैठक बुलाई है जिस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग सहित देश के तमाम मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। इस बैठक में बढ़ते कोरोना और बढ़ते हुई गर्मी को देखते हुए आने वाले दिनों में एहतियात के तौर पर किस तरीके से देश में स्कूल कॉलेजेस को संचालित किया जाए और कोरोना बढ़ रहा है तो उसके रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर से एहतियात के तौर पर पहले ही सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। आपको पता होगा पिछले 2-3 वर्षों से लगातार कोरोना की वजह से कई जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ जाती हैं, अस्पतालों की स्थिति सामान्य से और भी हालात खराब होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अभी जब सामान्य स्थिति है तो केंद्र सरकार की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आज शाम बड़ा फैसला आएगा जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जब इन सभी मामलों को लेकर एडवाइजरी जारी की जाएगी कि क्या देश में लॉकडाउन लगाया जाए या थोड़ी रियायत दी जाए देश की जनता को, या फिर हो सकता है आंशिक रूप से ही लॉकडाउन लगाने की योजना चल रही हो। हालांकि बिहार में पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बैठक हुई है, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि 10वीं तक के जो स्कूल हैं 10:45 तक ही सुबह में चलेंगे। पटना के DM ने इस बात को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया। वहीं अगर स्थिति बिहार की आपको बताएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बैठक हुई उस बैठक में पूरे बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है और खबर यह है कि इस पर जांच चल रही है, इस पर नए प्लान तैयार हो रहे हैं। हो सकता है इस बार गर्मी की छुट्टी ज़्यादा दिनों तक दी जाए और पहले ही गर्मी की छुट्टी कर दी जाए। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच जब बैठक होगी तो केंद्र सरकार के तरफ से क्या एडवाइजरी निकल कर सामने आती है और कोरोना के रफ्तार को देखते हुए हर बार जिस तरीके से सरकार थर्ड फेज फोर्थ फेज जो तमाम फेजेज आए हैं कोरोना के उसको लेकर सरकार एहतियात के तौर पे कई कदम उठा रही है, ऐसे में कोरोना बढ़ रहा है और सरकार बूस्टर डोज की भी व्यवस्था कर रही है। हालांकि अब तो खबर यह है कि पूरे देश में जहां भी अस्पताल हैं सभी जगह कोरोना के बूस्टर डोज लिए जा सकेंगे, इसलिए कि ज़्यादा भीड़ ना हो, एक ही सेंटर पर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो जाने की वजह से कोरोना बूस्टर डोज लगाने में लोगों को परेशानी होती है और कई लोगों को नहीं मिल पाता है, लंबी लाइनें लगती हैं, जिसको लेकर भी केंद्र सरकार आज अहम फैसला ले सकती है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर सहित तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने जो पहले गाइडलाइन जारी की थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन फैक्ट्री बनाए जाएंगे हर जिले में, बिहार के हर जिले में इस बात की जानकारी मिल रही थी और कई जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अब परिपूर्ण है, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ने आज जो बैठक बुलाई है इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।